नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ हमीरा मलिक। शुक्रवार को उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे और इस दौरान वो गोलापार स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने हल्द्वानी में उच्च शिक्षा के अवसर भवन का लोकार्पण किया और टाइप द्वितीय अवसर भवन और लघु निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए रावत ने कहा कि कॉलेज में छात्र छात्राओं को नशे से दूर रखने और नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रत्येक कॉलेज में कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य श्रेणी में लाना है और साथ ही टीबी मुक्त उत्तराखंड, नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन एडमिशन और भारत सरकार ने जितने भी कंपोनेंट एनएनपी 2020 में दिए गए हैं, उन्हें हम पूरा करने जा रहे हैं। हमारा उच्च शिक्षा का निदेशालय है, हमारे डायरेक्टर के लिए आवास की बड़ी दिक्कत थी, आज उसका विधिवत जो है हम लोगों ने लोकार्पण किया है। जो हमारे यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर रहते हैं और हमारे कार्मिक रहते हैं, उनके लिए भी आवासीय भवन के लिए 2 करोड़ रुपये सरकार की तरफ से दिए गए हैं और मुझे आशा विश्वास है कि भी जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। बाकी हम अपने राज्य में जो है ये सारी जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, ऑनलाइन एडमिशन हैं, ये सारी जितने भी कंपोनेंट भारत सरकार ने और एनईपी 2020 में दिए गए हैं, इनको पूरा करने जा रहे हैं। देखिए, जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा 2025 में, तो हमने 3-4 संकल्प लिए हैं। पहला तो यह है कि हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। दूसरा संकल्प हमने लिया है कि 100% उत्तराखंड साक्षर राज्य बनाएंगे। तीसरा संकल्प लिया हम लोगों ने कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। ये 3-4 संकल्प हम लोगों ने लिए हैं और मैं आशा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य एक आदर्श राज्य। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ये थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की एक रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जे जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।